मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी। कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट लीला माखन चोरी, उसी पर यह भजन सूरदास जी ने लिखा है जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में माखन चोरी करने जाते थे और गोपियां शिकायत करने आती थीं यशोदा के पास कि यशोदा तुम्हारे बेटे ने हमारे घर में बहुत उपद्रव किया, बहुत नुकसान कर दिया। तो यशोदा गुस्से में कन्हैया को बुलाती, उनसे कहती, कन्हैया ये सब क्या करके आए हो, देखो सब तुम्हारी शिकायत करने आई है। तो कन्हैया बड़े भोलेपन से मुस्कुरा के कह देते, मां इन सब की बातें मत सुनना, ये सब झूठ बोल रही हैं, ये तो सब बहाना बना के आई हैं मुझे देखने। बस बात वहीं समाप्त हो जाती। लेकिन आज कन्हैया ने अपने ही घर में माखन चोरी की और मां ने देख लिया। बाद में अचानक मां पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया है क्या? अचानक पूछा था तो कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया, मैं नहीं माखन खायो, भजन में क्या वास्तविकता है क्या सच्चाई है आप सभी जानते हैं। कन्हैया ने माखन खाया है, इतना ही नहीं मां ने देख भी लिया। अब मुख से निकल गया मैं नहीं माखन खायो, तो बस कन्हैया ने सोच लिया अब तो सिद्ध करके दिखला देना है कि मैंने माखन नहीं खाया। और ऐसे ऐसे तर्क दिए कि अंत में सिद्ध कर दिया उसने माखन नहीं खाया। यहां तक कि मां से भी कहलवा लिया, हां बेटा तूने माखन नहीं खाया। यही सुंदरता है इस भजन में। सबसे पहला तर्क दिया, बोले मां तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैंने माखन खाया है, मेरे पास समय ही कहां है जो मैं माखन खाऊं। और बोले मैया मोरी भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोही पठायो, भोर भयो गैयन के पाछे तूने मधुबन मोही पठायो, चार प्रहर बंशी बट भटक्यो, सांझ परे मैं घर आयो, रे मैया मोरी मैं कब माखन खायो, रे मैया मोरी मैं कब माखन खायो। हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की विशेषता है कि रागों की रचना हुई है समय के अनुसार, अलग अलग समय के अलग अलग राग हैं, मौसम तक के राग हैं। यहां वर्णन है भोर और सांझ दो समय का। नियम के अनुसार दोनों के अलग अलग स्वर होते हैं। आप ध्यान दें
मैं आपको भोर भोर के स्वरों में और सांझ सांझ के स्वरों में सुना रहा हूं। मेरा प्रयास है शायद आपको लगे कि ये भोर है और ये सांझ है। भोर भायो भोर भायो तूने मधुबन मोही पठा भोर भायो भोर भायो भोर भायो गैयन के पाछे तूने मधुबन मोही पठायो। समय बदला स्वर बदल गए। चार प्रहर बंशी बट भट क्यों सांझ परे मैं घर आयो सांझ परे मैं घर आयो री मैया मोरी मैं कब माखन खायो री मैया मोरी मैं कब माखन खायो नहीं चला ये तर्क। दूसरा तर्क दिया कहने लगे मां जरा सोचो मैं इतना छोटा सा बालक हूं छोटे छोटे हाथ हैं मेरे मैं कैसे माखन चुरा के खा सकता हूं और ये कहां तुम टांग के रखती हो। और बोले मैया मोरी मैं बालक बहियन को छोटो 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 मैं बालक बहियन को छोटो ये छींको किस विधि पायो ये छींको किस विधि पायो। मां मुस्कुरा दी इशारा किया कन्हैया क्यों बातें बना रहे हो ये जो मुंह में माखन लगा है ये कैसे लग गया। कन्हैया ने सोचा ये तो बड़ी भूल रह गई ये भी छुपाया कहने लगे मैया ये ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं ये ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं बर बस मुख लपटायो रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। नहीं चला ये तर्क। अब कन्हैया ने सोचा कि माँ की थोड़ी खुशामद करते तारीफ करते हैं तो शायद मान जाएगी खुश हो जाएगी क्षमा कर देगी। अब देखिए स्वर लय भाव शब्द इन सब की सहायता से ये दिखाना है कि कन्हैया माँ की खुशामद कर रहे हैं। अरे हाँ मेरी मैया अरे हाँ मेरी मैया अरे भोली मेरी मैया प्यारी प्यारी मेरी मैया अरे हो मेरी मैया अरे हाँ मेरी मैया ओ मैया तू जननी मैया तू जननी मन की अति भोली तू जननी मैया तू जननी
मन की अति भोली, इनके कहे पतिया योरी मैया मोरी, इनके कहे पतिया यो। कोई असर नहीं हुआ, अब थोड़ा गुस्सा दिखाया, कहने लगे मां एक लाठी और एक कंबल मुझे दे दिया है और सुबह सुबह भेज देती हो गाय चराने, कल से ये काम मुझसे नहीं होगा, ये सब वापस लो। मैया ये ले अपनी लकुटी कंबलिया, ये ले अपनी लकुटी कंबलिया, तूने बहुत ही नाच नचायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। विशेष बात हो गई, मां कुछ ज्यादा कठोर हो गई थी, कन्हैया का गुस्सा भी सह लिया। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी कोई मां नहीं सुन सकती, वो तो यशोदा थी। कन्हैया के आंखों में आंसू आ गए और मां की ओर देख के बोले, मां ये माखन की बात नहीं है, ये माखन का तो तुमने बहाना लिया है, तुम्हारे मन में क्या है आज मैं जान गया। और बोले, मैया मोरी कुछ भेद उपज हैं, जिया तेरे कुछ भेद उपज हैं, तूने मोहे जानो परायो जायो, तूने मोहे जानो परायो जायो। जरा से माखन के पीछे इतनी बड़ी बात मां कैसे सुन लेती। सूरदास तब हसी जसोदा, सूरदास तब हसी जसोदा, ले उर कंठ लगायो, ले उर कंठ लगायो, नैन नीर भरियायो, नैन नीर भरियायो, कन्हैया कन्हैया तै नहीं माखन खायो, कन्हैया मोरे तै नहीं माखन खायो, ओ लल्ला मोरे तै नहीं माखन। कल्पना कीजिए क्या दृश्य है, कन्हैया और मैया दोनों कंठ से लगे आंसू बहा रहे हैं, दोनों को मालूम है माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। यहां सूरदास जी के शब्दों का चमत्कार देखिए, कन्हैया ने अपने ही शब्दों में स्वीकार भी किया है। अभी तक मां कह रही है, कन्हैया तै नहीं माखन खायो, कन्हैया कह रहे हैं ओ मैया मैं नहीं माखन खायो। और अचानक कन्हैया ने मां के आंसू पोछे और मुस्कुरा के बोले,
ओ सुन मैया मोरी, ओ सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। रे माखन खायो, 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 रे माखन खायो। सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन, मैंने ही माखन, मैंने ही माखन खायो।